तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ घंटी के आइकन को भी दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाले नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आप सभी का टेक न्यू इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे लॉक के बारे में बताने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये लॉक है ही कुछ इस तरीके का। अगर आप इसे खोलने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए अगर आपने अपने मोबाइल में इसे लगा के रखा हुआ है और कोई आपके मोबाइल को खोलने की कोशिश करता है तो उसे लगेगा कि हमने लॉक खोल दिया, लेकिन दोस्तों दरअसल वो लॉक खुला ही नहीं होता है, ये एक छलावा होता है, आँखों का धोखा होता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन सा ये लॉक और किस तरीके से आप इसे यूज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है, आपको अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूं। तो हम यहां पर देखिए प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहां पर लग रहा होगा कि आपका जो प्ले स्टोर है वो ओपन है, लेकिन जो प्ले स्टोर है उस पर लॉक लगा हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा कहीं से भी। तो हम यहाँ पर देखिए आपको टच करके दिखा देते हैं, तो कहीं पर भी ये काम नहीं करेगा। आप कितना भी यहाँ पर टच कर लेते किसी भी एरिया में तो आपका बिल्कुल भी ये जो प्ले स्टोर है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इस पर लॉक लगा हुआ है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपको दिखेगा भी नहीं कि आपको कहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो मैं आपको और भी एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पर देखिए क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं, और जैसे आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आपको लगेगा कि क्रोम ब्राउज़र ओपन है, लेकिन ये भी ओपन नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ से ये लॉक लगा हुआ है, आपका कहीं पर भी ये काम नहीं करेगा। अगर कोई आपके फ़ोन को उठाता है और इसे खोलने की कोशिश करता है तो उसे लगेगा कि आपके मोबाइल में टच काम नहीं कर रही और आपका जो मोबाइल है वो वापस रख देगा या फिर आपको वापस कर देगा। तो काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कौन सा ये लॉक और किस तरीके से आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए पर आपको कुछ इस तरीके का ये एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है के नोट। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर आपको कुछ सूचनाएं दी जाएंगी जिसके जरिए से आप इसे खुद भी कर सकते हैं। तो हम खुद आपको बता देते हैं, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम बैक नेक्स्ट करते जाएंगे, और यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप पासवर्ड। तो आपको सेटअप पासवर्ड पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो पासवर्ड है वो कितने बार रखना है, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार या 5 बार। तो हम यहाँ पर 2 बार सेलेक्ट कर देते हैं, और 2 बार सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम रॉकर बटन है उसे आपको दबाना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो मैंने जल्दी से नहीं दबा पाया था, तो दोबारा से हम दबाते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो अब जो हमारा पासवर्ड है वो सेलेक्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आपसे एक आंसर पूछा जाएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसे रिकवर भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कोई सा भी एक, तो हम यहाँ पर कर देते हैं कैट, और हम यहाँ पर देखिए सेटअप पर क्लिक कर देते हैं। और जैसे आप सेटअप पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो एप्लीकेशन है वो आपको बिल्कुल नोट के तरह देखने को मिलेगा, मतलब जिस तरीके से आप नोट बनाते हैं उसी तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड किस तरीके से सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपने पासवर्ड डाला था वही आपको यहाँ पर प्रेस करना है, तो हम एक बार ऊपर एक बार नीचे 2 बार वॉल्यूम बटन दबाएंगे तो इस तरीके से आपका जो पासवर्ड है वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए ऐप लॉक इज ऑफ, तो आपको इसे ऑन कर देना है, और जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, तो हम वो परमिशंस को अलाउ कर देते हैं। तो देखिए ये जो एप्लीकेशन से यहाँ पर लिखा हुआ है के नोट, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसे ऑन पर क्लिक कर देना है, और हम बैक आ जाते हैं यहाँ से। तो दोस्तों बैक आने के बाद अब आपका ये जो ऐप है वो ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सिंपली अपना पासवर्ड लगाना है, कौन कौन से एप्लीकेशन पर अपना पासवर्ड रखना है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं क्रोम ब्राउज़र पर रख देते हैं, और क्रोम ब्राउज़र पर रखने के बाद आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आपको करना है ट्रांसपेरेंट, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम और किसी एप्लीकेशन पे लगा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ढूंढ लेते हैं कोई अच्छे अच्छे से एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पर रख देते हैं प्ले स्टोर पे लगा देते हैं और ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए और देख लेते हैं, व्हाट्सएप पर लगा देते हैं और ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देते हैं, और यूट्यूब पर भी लगा देते हैं और ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से करने के बाद अब आपको बैक आ जाना है, तो हम बैक आ जाते हैं। तो बैक आने के बाद अब हम आपको कोई सा भी चीज़ खोल के दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए गूगल क्रोम खोलते हैं, और जैसे आप गूगल क्रोम खोलेंगे तो अब आपको लग रहा होगा कि ये लॉक खुल चुका है, लेकिन भाई लॉक नहीं खुला है। आप यहाँ पर जब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर कोई सी भी टच काम नहीं करेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
कहीं पर भी कोई भी टच काम नहीं करेगी, केवल आप नेक्स्ट जा सकते हैं या पर होम पेज पर जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप होम पेज जा सकते हैं डायरेक्ट या पर आप नेक्स्ट पर जा सकते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम दोबारा से क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं तो आपको लगेगा कि ये खुल चुका है, लेकिन ये खुला नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके कोई से भी टच नहीं मानेगी, तो ये केवल आप ही खोल पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से आपने इसे सेट किया है। तो हम यहाँ पर देखिए एक बार ऊपर एक बार नीचे दबाएंगे, अभी आपका जो लॉक है वो खुल चुका है। अब आप यहाँ देख सकते हैं आप इसे चला सकते हैं, गूगल खोल सकते हैं, ट्रांसलेट खोल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अब यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और हम आपको दूसरी भी चीज़ खोल के दिखाई देते, तो हम यहाँ पर खोलते हैं, देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप खोलते हैं अपना। और जैसे आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि व्हाट्सएप खुल चुका है, लेकिन ये नहीं खुला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर करेंगे कि ये एंटर योर टू स्टेप वेरीफिकेशन आ रहा है, तो ये तो मैंने पहले से लगा के रखा हुआ है तो वो आपको दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिंपली करना वही पड़ेगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तभी आपका जो लॉक है वो खुलेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो लॉक है वो काम करने लगेगा। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ घंटी के आइकन को भी दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।